जो सराय में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। हालांकि आरएएफ और पुलिस के जवान स्थिति को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल सेंट जॉन स्कूल के पास दो पक्षों में कई बार झड़प हुई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस भी गोली छोड़ी गई। लोगों की पत्थरबाजी में आरएएफ का एक जवान घायल हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डीसी और एसपी भी कैंप कर रहे हैं। फिलहाल हालात सामान्य है। मौजूदा हालात पर सिटी एसपी प्रभात कुमार से बात की। सहयोगी अन्नी अमृतर। सूचनाएं मिली थी यहाँ की घटना के बारे में, मैं तब से यहाँ लगातार खुद कैंप कर रहा हूँ और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे डीएसपी, थाना प्रभारी और जिला के पुलिस बल, आरएपी, आरएएफ सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जो घटना हुई थी दोपहर में उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अभी सिचुएशन एकदम अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फोर्स यहाँ कैंप कर रही है, हम लोग स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों का यहाँ जो डिमांड था, कुछ लोग आपस में बैठक किए थे यहाँ कॉलोनी वाले, और उसमें मुझे बुलाया गया कि वो लोग अपना बात रखना चाहते थे। उसमें से जो मुख्य बातें इन लोगों के सामने से रखी गई है, उसमें बेसिकली एक है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और दूसरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कुछ डिमांड्स हैं। तो मैंने उनको बता दिया है कि इस समस्या का समाधान अभी इमीडिएटली नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और पहल करेंगे। तो कैसे क्या करना है, जो प्रक्रिया उनको उस चीज़ के लिए चाहिए था मैंने बता दिया। जो शॉर्ट टर्म उन लोगों का ग्रीवांसेस था वो है कि अभी जैसे जो पत्थरबाजी हुई है उसमें कुछ लोगों के शीशे टूटे हैं, कुछ लोगों के घर के शीशे और गाड़ी के शीशे टूटे हैं, तो उसमें लोग डरे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने आश्वस्त किया है और मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एज ऑफ नाउ मैं स्वयं कैंप कर रहा हूँ। मेरे साथ तीन तीन डीएसपी यहाँ, डीएसपी सीसीआर, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर बैठे हुए हैं, साथ में चार थाने के थाना प्रभारी हैं। उसके अलावा अभी एज ऑफ नाउ 250 मेन हमारे पुलिस जवान, 200 जवान यहाँ मौजूद हैं और कुछ और जवान हमारे सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशानुसार बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो यहाँ अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी रात पुलिस यहाँ कैंप करेगी। हम लोगों ने कल दिन का भी प्लानिंग किया है, पूरे दिन कल पुलिस यहाँ कैंप करेगी। साथ में जो हमारा पीसीआर है इस क्षेत्र में चलता है, इसके अलावा अगल बगल के क्षेत्रों से भी पीसीआर को निकाल करके और इस क्षेत्र में पीसीआर की संख्या बढ़ा दी गई है। और उसमें जुगसलाई ओसी को निर्देश दे दिया गया है कि इस क्षेत्र में जितने कॉलोनी हैं, जितने सड़क हैं, जितने गली हैं, सब में अभी टेम्पररी बेसिस पे आज कल और नेक्स्ट 2 डेज तक एटलीस्ट हर एक में दिन रात पेट्रोलिंग होगी। ये अभी के लिए, और मैंने सभी लोगों को आश्वस्त किया है, कुछ लोग अभी सुन भी रहे हैं, कि आप निश्चिंत होकर के अपने घर में जाएं, सभी लोग घर से बाहर, अन्यथा बिना काम का कुछ जमावड़ा करके कुछ डिस्कशन ना करें। अपना अपना नॉर्मल जो रूटीन होता है उसको फॉलो करें और बाकी के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन एकदम कंट्रोल है, अन्य शरीर कोई दहशत मन में रखने का जरूरत नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से ना यह सुनियोजित था, ना किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्लान था इसमें, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आपस में दो चार लोगों का झगड़ा हुआ और वही झगड़ा दोनों साइड से स्प्रेड होते होते वो एक ग्रुप का रूप ले लिया, एंड देन दोनों साइड से कुछ और एक्स्ट्रा लोग जमा होते गए और सडनली